नमस्कार, मैं ज्ञानम बोध उत्क्रमित उच्च विद्यालय चानो प्रखंड विष्णुगढ़ जिला हजारीबाग में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए बीएड है और मुझे 16 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है। हजारीबाग जिला जो कि एक प्राकृतिक सौंदर्य एवं मधुरमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, इसकी सुंदरता में कन्हरी हिल नेशनल पार्क, पद्मा किला, कोनार डैम चार चांद लगा देते हैं। मेरा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है और लगभग 1100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। वैश्विक महामारी जब कोरोना आई उस समय विद्यालय बंद थे और बच्चों के बीच हम सब शिक्षकों का जुड़े रहना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी कि बच्चे किस तरह से अध्ययन करें। तो कई कार्यक्रमों को हमने देखा, लेकिन उस कार्यक्रम में मुझे श्री अरविंद सोसाइटी के जेई कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और इस प्रशिक्षण में मैं बखूबी भाग लेता रहा। इस प्रशिक्षण में मुझे प्रशिक्षक श्री नीलेश शर्मा मिले, जिन्होंने मुझे इनोवेटिव पाठशाला जूम ऐप पर क्लास कैसे लिया जाता है, यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, गूगल मीट हो गया या क्विज कैसे हम आयोजित करें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इस सब के बारे में बताया, वीडियो कैसे एडिट वगैरह करें, तो उन सबों के बारे में बखूबी जानकारी दी। मुझे एक नया अनुभव भी मिला उस दौरान। बच्चों के बीच जुड़े रहना और बच्चों के बीच शिक्षण कार्य करना जो बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, यह कार्य आसान दिखाई देने लगा। इसी दौरान श्री नीलेश शर्मा जो प्रशिक्षक थे, उन्होंने मुझे इनोवेटिव पाठशाला और कई प्रकार के सुन्निवेश नवाचार, मैं तो TLM हमेशा प्रयोग करते रहा हूँ, लेकिन उन्होंने सुन्निवेश पर बताया कि बहुत कम पैसे में या नथिंग पैसों से भी आप नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी गतिविधि दे सकते हैं। मुझे उसमें बहुत मदद की और मैं बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देना शुरू किया, अच्छा भी लगा। मैं बता दूँ कि ये समस्या का हल तो मुझे मिला, मेरी समस्या जो थी वो सही हो गए हैं। मेरा विद्यालय था जो एक रोल मॉडल के रूप में था और कई राज्य स्तरीय पुरस्कार को विद्यालय हासिल किया है, चाहे जैसे ज्ञान सेतु कार्यक्रम में ब्रॉन्ज सर्टिफाइड हो, ब्रॉन्ज मेडल की बात हो, या स्वच्छता पुरस्कार जैसे में बी ग्रेड की बात हो, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कई शैक्षणिक कार्यक्रमों में ऐसे कई पुरस्कार मिले हैं। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।